अमरवाड़ा थाना अंतर्गत ग्राम साजुआ में घर के बाहर कंडम हालत में खड़ी गामा वाहन में आग लगने की वजह से गाड़ी में बैठे 3 वर्षीय मासूम बालक अभिषेक पिता जीवन विश्वकर्मा उम्र 3 वर्ष गाड़ी में बैठकर खेल रहा था। उस दौरान गाड़ी के आसपास कोई भी परिजन नहीं था। अज्ञात कारण की वजह से अचानक गाड़ी में आग लग गई, जिसके कारण मासूम बालक बुरी तरीके से जल गया और मौके पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जैसे ही लोगों ने देखा कि गाड़ी जल रही है, वह तत्काल आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक सब कुछ खत्म हो चुका था, मौके पर आसपास के लोगों ने मासूम बालक के शव को गाड़ी से बाहर निकालकर अमरवाड़ा अस्पताल ले जाया गया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने पहुंचकर मर्ग कायम कर मासूम बालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर चर्चा का विषय ये भी है कि गाड़ी कई वर्षों से खड़ी थी, जिसमें ना तो इंजन था और ना ही डीजल और ना ही टायर, फिर आग कैसे लगी या किसी के द्वारा यह साजिश रची गई है। क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं। पुलिस मामले की गंभीरता के साथ जांच कर रही है। जब मैं घर पे था, हाँ, तो मैं सो रहा था उस समय खाना खा के, तो मेरा बड़ी बच्ची आई और मेरे को बाहर बताई पापा जी आग लग गई। तो मैं बाहर देखा तो मैं आग लगी हुई गाड़ी में दिखी। मैंने उस समय फिर गांव के लोग थे, उनने मेरे को सहयोग किए, पानी लाए डाले। मैंने सोचा कि यार मेरा भैया नहीं रहा, बच्चा विवेक। इसके बाद मैंने, कौन सी गाड़ी है सर? गामा है। बच्चा कहाँ था? गाड़ी के अंदर। कितने साल का है बच्चा? 3 साल का सर। क्या नाम बच्चे का? अभिषेक विश्वकर्मा। अमरवाड़ा से रिपब्लिक इंडिया की डेस्क रिपोर्ट।